हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू फार्म ज्ञान आज हम स्टार्ट करेंगे एंटी फंगल ड्रग जो कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड का चैप्टर है इसमें हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन क्लासिफिकेशन और साथ ही साथ हम इस चैप्टर ड्रग्स को भी डिस्कस करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एंटी फंगल ड्रग्स एंटी फंगल ड्रग्स वह ड्रग्स होती हैं जो कि फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज की जाती हैं कुछ एंटी फंगल ड्रग्स फंगी साइट की तरफ वर्क करती हैं और कुछ ड्रग्स फंगी स्टेटिक की तरह वर्क करती हैं एंटी फंगल ड्रग को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है लोकल एंटी फंगल ड्रग यह ड्रग टॉपिकली यूज की जाती हैं नंबर सेकंड सिस्टेमिक एंटी फंगल ड्रग इन ड्रग को आईवी वी लूट और ओरल रूट द्वारा बॉडी में एडमिनिस्टर किया जाता है अब देखते हैं क्लासीफिकेशन ऑफ एंटी फंगल ड्रग्स एंटी फंगल ड्रग्स को डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है इसमें हमारा फर्स्ट है एंटीबायोटिक इसमें हमारा आता है पोलिन एंटीबायोटिक इसमें हमारी ड्रग्स आती हैं एम्पोटेरेसिन वी नाटोमाइसिन नाइस्टाटिन एंड हेमाइसिन एंटीबायोटिक में सेकंड है हेट्रोसाइकिलीन बेंजोफ्यूरान इसमें हमारी ड्रग्स आती है ग्राइशोफुलवीन इसके बाद हमारा सेकेंड एंटी मेटाबोलाइट इसमें आती है फ्लूसाइटोसिन इसके बाद थर्ड है एलाइल अमाइन इसमें हमारी ड्रग्स आती है टर्वीनाफाइन इसके बाद एजोल एजोल को भी टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है नंबर वन इमिडाजॉल इसमें हमारी ड्रग्स आती हैं कोट्रिमाजॉल इकोनाजॉल कैटोकोनाजॉल एंड मिकोनाजॉल और इसमें सेकेंड है ट्राई एजॉल इसमें हमारी ड्रग्स आती हैं फ्लूकोनाजॉल ईट्रोकोनाजॉल बोरिकोनाजॉल इसमें हमारी फिफ्थ एंड लास्ट है अदर टॉपिकल एजेंट इसमें आते हैं यूडिसाइक्लिनिक एसिड बेंजोइक एसिड एंड टोलना फटेट अब इसके बाद हमारी फर्स्ट ड्रग आती है यूडिसाइक्लिनिक एसिड यूडिसाइक्लिनिक एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि एंटी एंटीफंगल एजेंट की तरह वर्क करता है यूडिसाइक्लिनिक एसिड को नायलॉन एलेवन के प्रोडक्शन में यूज किया जाता है यह ड्रग मिली स्किन इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है यूडिसाइक्लिनिक एसिड बैक्टीरिया सेल बॉल पर बाइंड होकर एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन के फॉर्मेशन को रोकती है जिससे बैक्टीरिया ग्रोथ रुक जाती है इसके बाद है केमिकल नेम ऑफ यूडिसाइक्लैनिक एसिड तो यूडिसाइक्लिक टेन एनिक एसिड या हमारा यूडिसाइक्लिनिक एसिड का केमिकल नेम है अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ यूडिसाइक्लिनिक एसिड साइक्लैनिक एसिड एक लिक्विड होता है यह हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर का होता है यूडिसाइक्लिनिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट 245 डिग्री सेंटीग्रेड होता है यूडिसाइक्लिनिक एसिड वाटर में इनसोलिबल लेकिन इथेनॉल ईथर क्लोरोफॉर्म में सोलिबल होता है अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ यूडिसाइक्लिनिक एसिड यूडिसाइक्लिनिक एसिड को फॉस्फोरिक एसिड एंड डाई मिथाइल सल्फ के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें ब्लू कलर प्रोडक्ट ऑप्टेन होता है अब देखते हैं यूज ऑफ यूडिसाइक्लिनिक एसिड यूडिसाइक्लिनिक एसिड को हम एंटी फंगल एजेंट की तरह यूज करते हैं यूडिसाइक्लिनिक एसिड को जिंक साल्ट के कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है यूडिसाइक्लिनिक एसिड को एंटी डेंड्रफ शैम्पू में भी यूज किया जाता है यूरिसाइक्रेनिक एसिड को मेनली एंथलेट फुट्स के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है अब हमारी नेक्स्ट ड्रग आती है टोलना फटेट टोलना फटेट हायोकार्बामेड डेरीवेटिव ड्रग है जो कि फंगीसाइडल एंड फंगी स्टेटिक प्रॉपर्टी शो करती है यह ड्रग मेनली ट्रॉपिकली यूज की जाती है टोलना फटेट ड्रग को मेनली जॉक इच एंथलेट फुट रिंग के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ़ टोलना फटेट टोलना फटेट हमारा एक वाइट एंड क्रीमी वाइट कलर का पाउडर होता है यह हमारा ऑर्डरलेस होता है टोलना फटेट का मेल्टिंग पॉइंट 110 से 112 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है टोलना फटेट वाटर में इंसॉलिबल लेकिन इथेनॉल मिथेनॉल एंड क्लोरोफॉर्म में सोल्यूबल होता है अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ टोलना फटेट टोलनाफेटेट को नजेंटा सॉल्यूशन एंड पायरोगेलोन सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं तो डार्क पिंक कलर ऑप्टेन होता है अब देखते हैं यूजेज ऑफ टोलना फटेट टोलना फटेट ड्रग को भी एंटी फंगल ड्रग की तरह यूज की जाती है यह ड्रग एंटी एंटीडेंडरफ शैम्पू में भी यूज किया जाता है टोलना फटेट को जो इच रिंग वॉम एंथरेट फूड के ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है अब इसके बाद हमारी थर्ड ड्रग आती है ना ना एक एंटीबायोटिक ड्रग है जो कि एंटी फंगल एजेंट की तरह भी यूज की जाती है यह ड्रग मार्केट में मोस्टली माइक्रोस्टेटिन के नाम से जानी जाती है इस ड्रग को वेगिनल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है इस ड्रग को ट्रॉपिकली और ओरली बॉडी में एडमिनिस्टर किया जाता है अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइस्टार्ट नाइस्टार्टिन एक वाइट और ऑरेंज और कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है यह ऑर्डरलेस होता है नाइस्टाटिन नेचर में हाइड्रोस्कोपिक होता है नाइस्टाटिन बाटल में इंसॉलिबल लेकिन एल्कोहल में सॉलीबल होता है अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइस्टार्टिन नाइस्टाटिन को जब हम डायल्यूट एससीएल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें ब्राउन कलर का प्रोडक्ट ऑप्टेन होता है अब देखते हैं यूजेज ऑफ नाइस्टार्टिन नाइस्टार्टिन ड्रग को हम एंटीफंगल ड्रग की तरह यूज करते हैं नाइस्टार्टिन ड्रग को आई इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है नाइस्टाइटिन को हम एंथलेट फुट इचिंग के ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं अब हमारी फोर्थ ड्रग आती है एम्पोटेरेसिन बी एम्फोटेरेसिन यह हमारी एक एंटीबायोटिक ड्रग है जो कि एंटी फंगल ड्रग की तरह भी यूज की जाती है एम्पोटेरेसिन ड्रग को स्ट्रेप्टोमाइसिस नोरोसिस नामक बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया था इस ड्रग के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं जैसे कि हेड किडनी प्रॉब्लम आदि अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एम्पोटेरासिन भी एम्पोटेरेसिन भी हमारा व्हाइट और ऑरेंज कलर का पाउडर होता है या हमारा पाउडर लेस होता है एम्पोटेरेसिन ड्रग 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से एवप पर डिकम्पोज हो जाता है एम्पोटेरेसिन भी वाटर और एल्कोहल में इंसॉल्यूबल होता है लेकिन मिथेनॉल डाई सल्फोक्साइड में इजली सॉलिबल होता है अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एम्पोटेरेशन वी एम्पोटेरेशन वी को जब हम फॉस्फोरिक एसिड एंड डाई मिथाइल सल्फोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ब्लू कलर प्राप्त होता है अब आती है यूज ऑफ एम्पोटेरेशन वी एम्पोटेरेशन वी ड्रग को एंटीफंगल एजेंट की तरह यूज किया जाता है कभी कभी एम्पोटेरेसन ड्रग को प्रोटोजोअल ड्रग की तरह भी यूज किया जाता है एम्पोटेरिसिन ड्रग को बेरियस इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिस, कैंडियासिस जो इच हमारी फिफ्थ एंड लास्ट ड्रग आती है हेमाइसिन। हेमाइसिन एक एंटीबैक्टेरियल ड्रग है जो कि एंटीफंगल एजेंट की तरह यूज की जाती है हेमाइसिन ड्रग को स्ट्रेप्टोमाइसिस पिंपरीना नामक बैक्टीरिया से आइसोलेट किया जाता है हेमाइसिन ड्रग को मेनली जॉग इच रिंग वॉम के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेमाइसिन हेमाइसिन एक येलो एमोल्फस पाउडर होता है यह ऑर्डरलेस होता है हेमाइसिन ड्रग 160 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर डिकम्पोज हो जाता है हेमाइसिन ड्रग वाटर एंड क्लोरोफॉम में इंसॉलिबल लेकिन एल्कोहल में सॉलीबल होता है अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेमाइसिन जब हेमाइसिन ड्रग को एस के साथ रिएक्ट किया जाता है तो ब्राउन कलर का कंपाउंड प्राप्त होता है अब इसके बाद आता है यूजेज ऑफ एमाइसिन ड्रग एम ड्रग को एंटी फंगल एजेंट की तरह यूज करते हैं एमाइसिन ड्रग को इचिंग प्रॉब्लम में भी यूज किया जाता है एम ड्रग को आई इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है फ्रेंड्स ये थी हमारी एंटी फंगल ड्रग्स अगर आप कोई भी प्रॉब्लम हो या आप जिस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उसे आप नीचे कमेंट करें थैंक यू